फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वीट रोल मिठाई। और ये मिठाई मैं बिना गैस जलाए बनाऊंगी और ये आप 5 मिनट्स में बना सकते हैं और इसे कोई भी बना सकता है। बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं और इसमें ना तो हमने किसी घी का यूज़ किया है, ना मैंने शुगर का यूज़ किया है। केवल 3 इंग्रेडिएंट्स से हम ये मिठाई बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं कैसे हमने बनाया है इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मिठाई बनाने के लिए मैंने ये सारे सामग्री ली हुई है। उसके बाद हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, उसमें डाला है 1 बाउल मैंने कोकोनट पाउडर डाला है यहाँ पे, और ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। और यहाँ मैंने डाला है 1 बाउल मिल्क पाउडर, इसके अंदर हम मिला देंगे। और उसके बाद ये मैंने 1/4 लिया है मिल्क मेड, ये मिल्क मेड होम मेड है और इसका रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क मेड डालते हुए हमको इसका एक डो फॉर्म करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिला लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क डालूँगी और इसको मिलाती जाऊँगी। तो इस तरह से हमें मिलाना है इसके अंदर और इसी से हमें डो को बनाना है। इसमें हमें किसी भी शुगर का यूज़ नहीं करना है, मिल्क मेड की हेल्प से ही हम ये स्वीट बनाएंगे। और ये स्वीट बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, कभी भी आप बना सकते हैं। कभी कोई गेस्ट आए तो भी आप फटाफट बना सकते हैं और बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी और साथ में बहुत अच्छा हेल्दी भी होता है। तो और इसमें शुगर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो है मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसका हम हाथों की हेल्प से इसको मिक्स करते हुए अच्छे से डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाथों से इसको डो रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देखिए, और यही रेशियो आपको रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। जितना मैंने आपको 1 बाउल मिल्क पाउडर, 1 बाउल कोकोनट पाउडर और 1/4 मैंने डाला है इसके अंदर मिल्क मेड। तो इसको अच्छे से हम डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डो जैसा बना लिया है, इसको हम अच्छे से मस लेंगे हाथों की हेल्प से, देखिए। और मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला है और अपने आप इसमें आप देखिए कितना चिकनापन है। और इस तरह से हम कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये डो रेडी कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद इसके हम 3 पार्ट कर लेंगे। आप की इच्छा है, आप जितने कलर के बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कलर का बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं एक बॉल ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर एक कलर, ये फूड कलर है और एक हार्मफुल नहीं होता है। तो ऑरेंज कलर देने के लिए ताकि मिठाई हमारी कलरफुल लगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको फिर अच्छे से हाथों की हेल्प से मसल मसल के हम मिला लेंगे। फिर इसके अंदर ये कलर आ जाएगा, अच्छा सा ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो इस तरह से ये डो हमने रेडी कर लिया है और इसको हम एक रोल करके और साइड में मैंने रख दिया है। दूसरा मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर को भी हमें इसी तरह से जैसे हमने इसको मिक्स किया है उसी तरह से हमें मिक्स करना है। इसको भी मिक्स करने के बाद फिर अच्छे से फिर हम रोल बनाएंगे। तो एक रोल मेरा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं। और मैं फिर दूसरा रोल भी रेडी, और एक हमको प्लेन रखना है। तो अभी मैं ग्रीन वाला भी अच्छे से रोल कर लेती हूँ। और सभी हमको एक साइज का रोल करना है, बराबर का रखना है हमें। और उसके बाद तो अभी मेरा दूसरा रोल भी रेडी हो गया है, मैंने एक साइज का कर लिया है। अब मैं वाइट कलर का लूँगी और सेम प्रोसेस से इसको भी कर लूँगी। तो एक साइज़ का तीनों हमें रखना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी मिठाई है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने तीनों कलर का रेडी कर लिया है। थोड़ा छोटा बड़ा हो तो आप कट कर सकते हैं साइड से। तो ये देखिए हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको एक साथ रोल करना है और फिर हमें ट्विस्ट करना है अपोजिट साइड से। एक राइट करना है, एक लेफ्ट करना है और बहुत सावधानी के साथ करना है और इस तरह से कि टूटे नहीं हमारे रोल। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको फोल्ड कर दिया है। थोड़ा क्रैक हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं इस तरह से।
और रोल करते समय ये अच्छे से सही हो जाएगा। ट्विस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से हो गया है ट्विस्ट। तो अब हम इसको हाथों की हेल्प से चिकना करेंगे, तो देख सकते हैं आप इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अभी कट नहीं कर सकते, सॉफ्ट हो रहा है, तो आप इसको जो फॉयल होता है उसमें रोल करके फ्रिज में 1 आवर के लिए रख दें और फिर आप इसको कट करें। मुझे सही लग रहा था तो मैंने इसी टाइम पे कट कर लिया है, रोल नहीं किया है मैंने। तो आप कैसे भी करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पीस काटा और उसके बाद उसी साइज़ से करके मैंने कर दिया है सभी को कट, ताकि उससे क्या होगा कि हमारे जो साइज़ है वो बराबर आएगा। तो देख सकते हैं सभी जो मिठाई है वो एक साइज़ की कट गई है। और उसके बाद जो लास्ट वाला बचा था उससे मैंने एक फ्लावर का शेप दिया है और इस तरह से, तो ये भी इस शेप का भी आप बना सकते हैं। छोटे छोटे कट करिए, जैसे मैंने लॉन्ग किया है तो छोटे कट करके आप उसको दबा दीजिए तो फ्लावर शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और मैंने यहाँ पे सर्व कर, थोड़ा मैंने गार्निश कर देती हूँ जिससे कि जो मिठाई है वो बहुत खूबसूरत लगेगी। जितना देखने में खूबसूरत है उतना खाने में भी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट बनती है, कोई इसमें किसी गैस का यूज़ नहीं है। इस मिठाई को कोई बच्चा भी बना सकता है। अगर आपको कोई कंपटीशन हो बच्चों का तो उसमें भी आप इस मिठाई को बता सकते हैं अपने बच्चों को कि वो स्कूल में बना सकते हैं इस टाइप से भी। तो ये मिठाई अब अच्छे से रेडी हो गई है तो मैं अब सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये मिठाई रोल कैसा लगा कमेंट बॉक्स करके मैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए, और बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।